नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। यूपी में सरकार भी बदल गई है और पुलिस पर सख्ती भी बढ़ गई है, लेकिन अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा। यूपी की खराब कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा रही है। बीते चुनावों में इस मसले ने सरकार के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई। अब सूबे को नया मुख्यमंत्री भी मिल चुका है और नया डीजीपी भी, लेकिन अपराध की स्थिति में कोई तब्दीली नहीं दिख रही है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या यूपी पुलिस बेअसर हो चुकी है या फिर लोगों की मानसिकता भी इसके लिए जिम्मेदार है? इन सारे मुद्दों पर होगी विस्तार से बात, लेकिन सबसे पहले यूपी के हालात क्या, अपराध को लेकर के एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डेढ़ महीनों के दौरान कानून का राज कैसे होना चाहिए, हम लोगों ने उसको स्थापित करने का एक प्रयास किया है। बीजेपी यूपी में अच्छे दिन लाएगी, कानून व्यवस्था बेहतर होगी और अच्छा प्रशासन मिलेगा। इन उम्मीदों से जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताया। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खराब कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी सरकार बनने के बाद जिस तरह की सख्ती सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरती, शुरू शुरू में उसका असर भी नजर आया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जघन्य अपराधों का सिलसिला बढ़ता दिखाई दे रहा है। हरदोई में छेड़खानी की शिकायत पर गैंगरेप, जालौन में पति के सामने पत्नी से गैंगरेप, लखनऊ में सरेशाम महिला पर गोलीबारी, शामली में अपहरण कर गैंगरेप का मामला, लखनऊ में घर में घुसकर 20 लाख की लूट। हालांकि अपराधों को लेकर पुलिस की सक्रियता भी नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ चंद मामलों में। हरदोई में नाबालिग से छेड़खानी की शिकायत करने पर पीड़ित लड़की को अगवा कर लिया गया और उसकी बहन के साथ बदसलूकी की गई। जालौन में एक दंपति को लिफ्ट देकर लूटपाट की गई और पति को बंधक बनाकर 8 लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने वारदात के 4 दिन बाद 8 संदिग्धों को धर लिया। बयानों के आधार पे, वो हमारी स्वयं के सूचनाओं के आधार पे 8 संदिग्ध व्यक्तियों को हमने हिरासत में लिया है, गहनता से पूछताछ की जा रही है। राजधानी लखनऊ में भी अपराध का ग्राफ बढ़ा है। बीते कुछ दिनों में लखनऊ में कई वारदात हुई। गोमती नगर में प्रॉपर्टी डीलर के घर डकैतों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। इससे पहले भाड़े के हथियारों ने सरेशाम एक महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस मामले में महिला का पति गिरफ्तार हो चुका है। हमने आपको सिर्फ कुछ उदाहरण बताए, गिनती और भी बड़ी है। ऐसा नहीं है कि सीएम स्थिति से बेपरवाह है। उन्होंने 26 अप्रैल को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को तलब कर जवाब मांगा था और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए 15 दिन में रणनीति बनाने का फरमान सुना दिया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे लगता नहीं कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और न्यूज स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं, जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक सवाल वो आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है? क्या पुलिस को कार्यशैली बदलने की जरूरत पड़ेगी? अब सरकार की सख्ती के बावजूद क्यों नहीं आखिर रुक रहे अपराध? बढ़ते जुल्म की आड़ में क्या सामाजिक तानाबाना भी है? और आखिर कब बदलेगी यूपी की कानून व्यवस्था? यह अहम सवाल है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और एमसी द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ जफर अमीन साहब भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन साहब आपके पास आना चाहेंगे। बड़ी उम्मीद थी आपसे साहब की सरकार बदल गई है, अब तो स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि आप लगातार चर्चाओं में कहते रहे कि अपना इकबाल होता है पुलिस का, सरकार का अपना इकबाल होता है, मगर जब लिस्ट देखी जाए तो बहुत लंबी होती जा रही है। जनता कैसे यकीन करे कि बदलने वाला है सब कुछ या बदल जाएगा, क्योंकि जनता तब भी पीड़ित थी और जनता अब भी पीड़ित है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, लेकिन जो आपने कहा कि घटनाएं हो रही हैं, तो घटनाएं हैं, लेकिन घटनाओं के कारण और घटनाओं पर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई, इसका भी विश्लेषण हमें करना होगा। और उत्तर प्रदेश में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को लेके कोई भी बात अगर आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उस पर कहर बन के टूट रही है। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, मैं इतना आपको आश्वासन दूंगा
आश्वस्त करूंगा आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को कि उत्तर प्रदेश में का परिवार सहारनपुर में दहशत में था, उसके पत्नी बच्चे दहशत में थे, बताइए उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? एसएसपी के परिवार अरे उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। जफर अमीन आपके साथ समस्या बहुत ज्यादा है। आप चर्चा को चर्चा नहीं रहने देना चाहते। आप चर्चा को चर्चा से भाग रहे हो। आप पुलिस कार्रवाई अरे आप चर्चा से भाग रहे हो। आप फिजूल की बातें कर रहे हो। आपके पास कोई तथ्यपरक जानकारी नहीं है। आप चर्चा को ड्रेल करना चाह रहे हो। अरे आप अपना हिसाब दीजिए, अपना प्रायश्चित कीजिए। आप चर्चा के बैठते हो अभी गोरखपुर में। अरे आप बिना मतलब की बातें कर रहे हो। आईपीएस अधिकारी महिला आईपीएस। अरे आप बिना मतलब की बातें कर रहे हो। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? आप चर्चा नहीं होने दे रहे हो। जफर अमीन साहब आपको बिल्कुल भी सर भाई जिस जिले में एसएसपी है उसका परिवार हाँ जी इनको समझाओ। ये ये समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ खड़े होंगे जहाँ बैठेंगे ये केवल अराजकता पैदा कर सकते हैं। नहीं जफर अमीन साहब आप चर्चा में भाग नहीं ले सकते। आप केवल अराजकता पैदा कर सकते हो। समाजवादी पार्टी को लोग गुंडाई कर रहे हैं कि भारतीय आप अराजकता फैलाइए। आप और कोई नहीं कर रहे। जफर अमीन साहब ध्यान रख लीजिए। भारतीय अरे आप अपनी बात कहिए। आप गुंडाई कर रहे हैं, इनको कौन पुलिस वाला रोकेगा? जी जी देखो इनको अभी जफर अमीन साहब थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। जफर अमीन साहब थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। सवाल आप पूछ लीजिएगा लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख दीजिए। चर्चा शुरू हुई है, थोड़ा सा इनको कहिए, थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ने दीजिए। आप अपनी पूरी बात रखिएगा। ये नहीं मानेंगे। मैं आपसे सफाई है ये केवल और केवल नहीं। डॉक्टर चंदन साहब एक मिनट। डॉक्टर चंदन साहब एक मिनट। हल्ला बोलेंगे चंदन साहब बिल्कुल नहीं करेंगे। ये चंदन साहब एक मिनट। जफर अमीन साहब बात करिए ना। जफर अमीन साहब एसएसपी की जा परिवार की अरे आप खतरा फालतू की बातें कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी आप केवल और केवल फालतू की बातें कर रहे हैं। अरे आपके पास आपको जहां ये आपका मंच नहीं है। जफर अमीन साहब आप का मंच नहीं है। आप जफर अमीन साहब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप सवाल जरूर करिएगा। आप अपनी बात पूरी करिएगा। इतना भी पता लेकिन कुछ जनता के सवाल है वो भी तो आ जाने दीजिए। जफर अमीन साहब एक मिनट। कुछ भी नहीं पता। जफर अमीन साहब मजबूरन मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा। जफर अमीन साहब एक मिनट। मैं आपको माफी के साथ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। सामान्य व्यवहार भी नहीं आता है। चंदमोहन साहब ये नहीं धैर्य रखेंगे। नहीं चंदमोहन साहब एक मिनट। आपने कहा कि जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। हरदोई की एक घटना बताना चाहता हूं आपसे, जहां पर जब छेड़खानी की शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और वो बदमाश उसके घर आते हैं और उसके बाद घर के लोगों से मारपीट करते हैं, उसकी छोटी बहन को उठाकर ले जाते हैं, तब भी मामला दर्ज नहीं होता है। जब यह पूरा मामला एसपी के संज्ञान में आता है तब जाकर के मामला दर्ज हुआ। अब आप बताइए कि पुलिस की कार्यशैली अगर यही है तो पुलिस कहां कहर बनकर के टूट रही है? अंजीत जी आपने ही बताया कि जब कप्तान के जानकारी में आया मुकदमा दर्ज हुआ ना। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आप थोड़ा सा नहीं दर्ज हुआ लेकिन आप उस थानेदार का क्या करेंगे साहब जिसने मामला दर्ज नहीं किया? आप उस पर भी तो कार्रवाई करिए। देखिए हम उस थानेदार पर भी कार्रवाई करेंगे जो जिम्मेदार है, उन सब पे कार्रवाई होगी। आप थोड़ा सा समय दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्रीमान सुलखान सिंह जी ने कार्यभार संभाला है, आप उनको समय दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ वो सबसे कम समय में एक काबिल ऑफिसर है, सबसे कम समय में वो सब व्यवस्थित करें। साहब आप समय मांगते रहिए। कहीं नहीं है साहब आप समय मांगते रहिए। डॉक्टर चंद्रमोहन साहब सुनिए, नहीं आपसे लगातार चर्चा होती रही। आप कहते थे कि सरकार का अपना इकबाल होता है, पुलिस का अपना इकबाल होता है। आपको मैं घटनाएं बताऊं? बिल्कुल इकबाल होता है। घटनाएं बताऊं? काम किया है। अगर ऐसा इकबाल है तो फिर कैसे करेगी पुलिस कार्रवाई? इकबाल ने का अरे मैं एक आपसे मैं भी आंकड़ा मैं आपके माध्यम से एक आंकड़ा मैं भी जानना चाहता हूं। बिल्कुल। क्या आप उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के शपथ ग्रहण के पहले का रेशियो बता दीजिए अपराध का और शपथ ग्रहण के बाद का भी बता दीजिए, सारी घटनाओं को बता दीजिए। नहीं मैं तो ये से लेके अपराध से डॉक्टर चंदवन साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि योगी जी लगातार ये कह रहे हैं। जफर अमीन साहब एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूँ। जफर अमीन साहब एक मिनट दे दीजिए। आप अपनी बात करिए। डॉक्टर चंदवन साहब
योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने तब से वो कह रहे हैं कि स्थिति बदलनी चाहिए। उन्होंने आदित्य मिश्रा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को तलब किया और ये कहा कि बदल जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए। डीजीपी को बदला उन्होंने, वो लगातार दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि 15 दिन में कानून व्यवस्था बदल जाएगी, 15 दिन होने वाला है, क्यों नहीं बदल गई, इसी बात का आप जवाब दे दीजिए साहब। मैं बिल्कुल बिल्कुल अंजीत जी, मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ। आपने विषय तय किया और मैं विषय पर चर्चा करने आया हूँ, जिम्मेदारी के साथ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका जवाब दें, इसलिए मैं आपके साथ चर्चा में बैठा हूँ। मैं चर्चा से भाग नहीं रहा हूँ, मैं चर्चा में आपके साथ बैठा और आपकी चर्चा को प्रदेश सरकार के, प्रदेश शासन के सारे लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही हो, आपके द्वारा उठाए हुए विषयों की मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश सरकार करती है और उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जो 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 कुछ छुटपुट घटनाएं हुई है, जो जो कुछ घटनाएं हुई है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हर एक घटना को पूरी तरीके से पिन आउट करके उसका समाधान किया जा रहा है। ठीक है, मैं आता हूं चंद्रमोहन साहब आपके पास, मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए, आपसे बातचीत आगे भी जारी रखी। जफर अमीन साहब, आपको नहीं लगता कि अगर इन तमाम स्थिति को आपने सुधार दिया होता अपनी सरकार में, तो आज कम से कम इस बात की चर्चा की जरूरत नहीं पड़ती कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है? अच्छा, अभी बता दीजिए अंजीत जी, कोई एक मिसाल बताइए कि जहां एसएसपी की पोस्टिंग हो और जिस जिले में पोस्टिंग हो ही उसका परिवार की जान को खतरा रहे और उसके बच्चे और उसकी पत्नी बयान दे कि दहशत में थे लोग, जान बचा के किसी तरह दूसरे कमरे में मथुरा जान बचाए उनके बच्चे। मथुरा मथुरा का जवाब दे दो जो गुंडी गली में है उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई किया है? चंद्रमोहन जी बताओ, आपके पास केवल कुत्ता है। चंद्रमोहन जी आप बताइए, किसी प्रकाश में 1000 पे हमले हुए जो हम चर्चा से भटके नहीं। एमसी द्विवेदी साहब, अब आपके पास आना चाहेंगे। एमसी द्विवेदी साहब, उत्तर प्रदेश के मुखिया का क्लियर एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो, फिर भी गड़बड़ी कहां नजर आती है आपको? एमसी द्विवेदी साहब, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद गुंडई कर रहे हैं। अपराध के विषय में कोई तिथि निश्चित कर देना कि इस दिन से एकदम बदल जाएगा, यह व्यवहारिक बात नहीं है। अपराध जो है वो राजनीतिक, सामाजिक, मानसिक, न्यायिक और अन्य बहुत से कारणों से अपराध घटते बढ़ते रहते हैं। तो कुछ घटनाएं 2-4 दिन में हो गई, उसको बहुत महत्व तो नहीं दिया जाना चाहिए। प्रश्न ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि वर्तमान शासन की मंशा है कि अपराध रुके और उसके लिए प्रयत्न भी किया जा रहा है, अच्छे डीजीपी की नियुक्ति भी हुई है। परंतु एक बात अवश्य है कि निचले स्तर पर अभी बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हो पाए हैं, संभवतः उसमें टाइम लग रहा है। और निचले स्तर पर कर्मचारियों को, ऐसे कर्मचारियों को जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उन्हें बदलने की आवश्यकता है। दूसरा ये भी है कि थोड़ा सा पुलिस का मनोबल ऊंचा रखने की आवश्यकता है। कुछ घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिसमें सत्ताधारी दल के नेता ही या एक प्रतिद्वंद्वी का रूप ले रहे हैं पुलिस के खिलाफ, जबकि सत्ताधारी नेता और पुलिस में सहयोगी का रूप होना चाहिए। और उन प्रकरणों में समुचित कार्रवाई न होने से कुछ पुलिसजनों का मनोबल भी गिरा हुआ है। इसमें सत्ताधारी दल को विचार करना चाहिए कि उन प्रकरणों में जिनमें सत्ताधारी नेता उनका मनोबल गिरा रहे हैं, उनमें कार्रवाई होनी चाहिए उन व्यक्तियों के खिलाफ। तो अगर पुलिस पर मंशा है शासन की, अच्छे अधिकारी पोस्ट किए जा रहे हैं जी, तो अगर ये भी करते रहेंगे तो समय लगेगा, लेकिन ठीक है, समय लगेगा लेकिन रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है, मैं आता हूँ सर आपके पास, एमसी द्विवेदी साहब आता हूँ, विनोद आपके पास लौटना चाहिए। एमसी द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि देखिए, अगर कोशिश हो रही है शासन की तरफ से तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उनका क्या करेंगे जब एक जो राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं
जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ तालमेल होना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि तालमेल की कमी है, आपको लगता है कि अधिकारियों के मन में किसी तरीके का डर है, इस वजह से बहुत ज्यादा लगाम नहीं लग पा रही? देखिए बिल्कुल बहुत सही बात कर रहे थे एमसी दीदी साहब, और बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि ऐसे तमाम अधिकारी हैं जिनको लेकर कन्फ्यूजन है और जो दिक्कतें बड़ी सामने आ रही हैं, तमाम ऐसे इंसिडेंट्स जिसका जिक्र भी आपने किया कुछ देर पहले हरदोई की भी, जो एजुकेशन बॉडी है जो सबसे लोअर बॉडी है अगर बात की जाए पुलिस में, खासकर SHO हुआ वहाँ का और वहाँ का जो इंस्पेक्टर हुआ, जो हेड कॉन्स्टेबल हुआ, इनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, इनके माइंडसेट में चेंज नहीं आया है, इनके अंदर बदलाव नहीं आया और इनके लोकेशन भी बहुत ज़्यादा बदले नहीं गए हैं। तो अब तक वहाँ तक बातें जो है वो ऊपर नहीं पहुँची हैं, शासन के बैठे हुए जो लीडरशिप है उसकी बात DGP पहुँच गई है, DGP से नीचे SP तक पहुँच गई है, लेकिन SP से नीचे SHO और इंस्पेक्टर और हेड कॉन्स्टेबल जो जो फील्ड में होते हैं, जिनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, सवाल जिनको लेकर ही उठते हैं शासन पे, उन तक अभी तक नहीं पहुंची है। तो अगर वहां तक बात पूरी तरह से पहुंच जाती है और वो भी उसी सुर में बात करते हैं जिस सुर में शासन और DGP और बाकी अधिकारी बात कर रहे हैं, तो शायद जो है बदलाव दिखाई देगी, ये बिल्कुल तय है। जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जो लीडरशिप बैठे हैं, उनका मानना है कि कानून व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, DGP मानते हैं, अधिकारी मानने लगे हैं, लेकिन जो लोअर बॉडी है जो एजुकेशन की सबसे प्रॉपर बॉडी है। ठीक है, मैं आता हूँ विनोद आपके पास दोबारा, और कई अहम सवाल है, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन साहब एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। लखनऊ में डकैती रात हुई, एक महिला को सरेआम गोली मार दी गई, वो अपनी कार से निकलने के लिए जा रही थी, जालौन में पति के सामने ही पत्नी का रेप हुआ। मुख्यमंत्री का बहुत क्लियर एजेंडा है और साफ साफ एजेंडा है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बने। वक्त वक्त पर वो औचक निरीक्षण भी करते हैं, वक्त पर जाते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, कार्रवाई के निर्देश भी देते हैं। आपको कमी नजर कहां आती है? देखिए, बहुत आपने मौजूद सवाल पूछा है, बहुत व्यवहारिक सवाल पूछा है। इसमें आदरणीय MC द्विवेदी जी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को और सत्तारूढ़ दल के लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल मैं उनकी बात को सर माथे पर रखता हूँ, लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस में बना हुआ है, पुलिस कर्मियों की यहाँ पर कमी है और उसके कारण से जो इंटरनेटिव जैसा माहौल होना चाहिए वैसा माहौल नहीं है। हम लोग लगातार पहल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं हमारे ऊपर, तो हम उनको एकदम नहीं बता सकते कि कहाँ कहाँ लोगों से हुई हैं, और उसके बावजूद हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चीजें अच्छे से हों, व्यवस्थित हों। लेकिन IPS उत्तर प्रदेश को जो बेइज्जत कर रहे हैं, यही पहल कर रहे हैं। देखो ये बीच में बोल रहे हैं, ये पहल है। मैं जब जियाउल हक की हत्या का हिसाब नहीं दे पाएंगे, ये विधायक मनोज मिश्रा की हत्या का जवाब नहीं, जफर अमीन साहब, लेकिन इतना तो बता दीजिए, नहीं दे पाएंगे, ये बता दीजिए जफर अमीन साहब, इतना तो बता दीजिए कि नहीं जियाउल हक की हत्या का जवाब है इनके पास, जफर अमीन के पास, इनको बहुत परेशानी है, ऐसा लग रहा है परेशान है ये, कंट्रोल करेगा जब, अरे जियाउल हक की हत्या हुई है, अब ये तो ये पाप किया है आपने, आप अपने पापों का तो प्राश्चित कीजिए, आप बोल रहे हो ना, कौन सी चर्चा हो रही है, क्या विषय आपको बिल्कुल भी समझ नहीं है, विधायक सांसद, अरे आप जियाउल हक की हत्या का आपको आपको पाप चढ़ा हुआ है, आपके विधायक आप प्राश्चित कीजिए अपने पाप का, आप 1000 पुलिस कर्मियों पर हमले हुए हैं, पुलिस कर्मियों की हत्या का रिकॉर्ड बना है, आप भूल की बातें कर रहे हो, नहीं चर्चा किसी विषय में होती है बोलने बुलाने जाते हो, कर रहे हैं अरे गुंडे आप करते हो गुंडे, अरे आप तो अभी भी कर रहे हो, आप चैनल पर चर्चा नहीं होने दे रहे हो, आपका चरित्र तो चैनल पर हो जाएगा, बताइए ना आप चैनल की चर्चा से भाग रहे हो, गोरखपुर के अंदर, अरे बता रहे हैं आपको करवाता है सुनने के लिए भी समझ चाहिए, आप में वो समझ ही नहीं, और खुद जाके पुलिस आप बोलते रहिए करते हैं, लेकिन जफर अमीन साहब, ये तो अन्याय है जफर अमीन साहब, ये तो अन्याय है डॉक्टर चंद्रमोहन साहब के हिसाब से, क्योंकि जब आप सरकार में थे तब आपकी बात वो सुनते थे, अब वो सरकार में कम से कम उनकी बात भी तो आप सुनिए। नहीं सुनते थे तो सबसे ज्यादा सिपाहियों को गुंडा कहते थे, अरे आप पहले जफर अमीन जो लगती है हत्या का जवाब दो, 1000 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई उसका जवाब दो,
ठीक है, मैं आता हूं आप दोनों के पास। चर्चा से हम भटके ना, इसके लिए एमसी द्विवेदी साहब इस चर्चा में एक बार फिर से आपको शामिल करना चाहेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा, जब क्लियर एजेंडा है शासन की तरफ से कि अपराध को खत्म किया जाए, अपराध पर लगाम लगाया जाए, तो कितना वक्त लगता है इसके लिए, पूरा सिस्टम बदलने के लिए? मुझे तो कई बार लोगों ने कहा कि नहीं, अगर पुलिस चाहे तो वक्त नहीं लगता सिस्टम बदलने के लिए, फिर भी आपसे समझना चाहता हूँ कितना वक्त लगेगा अभी सिस्टम को बदलने के लिए। एमसी द्विवेदी साहब, देखिए ऐसा है कि पहली बात तो ये अपराध समाप्त हो जाएगा ये संभव नहीं है, इसको तो मान लेना चाहिए। केवल कम किया जा सकता है अपराध, और जनता में अपराधियों के मस्तिष्क में एक भय पैदा किया जा सकता है, परंतु बहुत से अपराधी ऐसे हैं जो कि उस भय को भी नहीं मानते हैं, तो लेकिन वो भय पैदा करने के लिए समय लगता है। अब मैं समझता हूँ कि अगर निचले स्तर पर भी सही अधिकारी पोस्ट कर दिए जाएं, इंस्पेक्टर और सब जगह, तो अगले एक दो महीने में वो काफ़ी ऐसा प्रभाव अपना जमा सकते हैं कि अपराधियों के मन में भय पैदा हो, उससे 20-25% अपराध कम हो सकता है। अगर कोई ये कहता है कि हम 100% समाप्त कर देंगे या 50% समाप्त कर देंगे, तो वो नहीं, वो व्यवहारिक बात नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अपराध को महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं विनोद, चूंकि आप लखनऊ में मौजूद हैं और लगातार सरकार की कार्यशैली पर नजर बनाए हुए हैं, पुलिस की कार्यशैली पर नजर बनाए हुए हैं। ऊपर से ये कहा जाता है कि अपराध खत्म किया जाए, सीधा एजेंडा है, लेकिन नीचे आते आते आपने कहा कि एसओ तक आते आते, तो इसके खिलाफ क्या कोई रणनीति या इसके लिए काम कैसे लिया जाए थानों से, इसके लिए कोई रणनीति बना रही है क्या सरकार या सरकार में बैठे अधिकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए इसकी जिम्मेदारी दी गई है डीसीपी को और कहा गया है कि ये तय करे, सुनिश्चित करे कि जो सबसे प्राथमिक बॉडी होती है जो एजुकेशन की, जिनकी जिम्मेदारी होती है न्याय व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को सही करने की, अगर वो लोग उनके व्यवहार में सुधार आए, उनका बिहेवियर चेंज हो, उनका माइंडसेट चेंज हो, ऐसी कोशिश की जाए, और उनको अगर जरूरत पड़े ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग भी दी जाए, और ये मैसेज साफ क्लियर कर दिया जाए कि किसी भी हालात में कोई भी अगर रिपोर्ट होती है थाने में तो उस रिपोर्ट को दर्ज किया जाए, चाहे उससे भले ही आपके जो डायरी, केस डायरी में संख्या बढ़ जाए, लेकिन आपको रिपोर्ट दर्ज करनी होगी, वो जरूरी है, और ये बात एसएचओ तक पहुंचाई जाए, उसके बाद जो फौरी तौर पर जो एक्शन लिया जाता है वो एसएचओ और वहां के अधिकारी के बाद। बीच में आपको रुकना पड़ रहा है, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, एमसी द्विवेदी साहब, जफर अमीन साहब और विनोद मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।